नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटो हब में। तो आज हम करेंगे द ऑल न्यू फुल कंपैरिजन बिटवीन हुंडई आई10 नियोस वर्सेस ऑल न्यू टाटा टियागो पर। दोस्तों ये होगा फुल कंपैरिजन बिटवीन ऑल द वेरिएंट्स, और ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी में आपको कितना सर्विस कॉस्ट और कितना मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा, और कौन सी गाड़ी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो वीडियो को जो है एंड तक देखते रहिए, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पीएस मोटो हब। तो वीडियो को जो है बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और इन दोनों गाड़ियों में ही आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों लुक के मामले में दोनों ही गाड़ी किसी से भी कम नहीं है, बट आई10 नियोस और टाटा टियागो में आपको कुछ अच्छे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, और आई10 नियोस में कुछ आपको ऐसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जो टाटा टियागो के आपको किसी भी मॉडल में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तो वीडियो को जो है एंड तक देखते रहिए, और शुरुआत करते हैं द ऑल न्यू हुंडई आई10 नियोस से। ये इसका स्पोर्ट्स वेरियंट है जो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक और बिल्कुल एक स्पोर्टी लुक के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है विद LED TRL। आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल बढ़िया सा लुक। दोस्तों प्राइसेस की बात करें तो इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है, मतलब अगर प्राइसिंग की शुरुआत करें तो 5.28 लाख रुपीज़ से 8.50 लाख रुपीज़ तक इसकी प्राइसिंग जाती है। इसका एस्ट्रा वेरियंट है वो इसका टॉप मॉडल है, लेकिन ये इसका टॉप से एक नीचे वाला वेरियंट है जिसका नाम है स्पोर्ट्स। दोस्तों ये आपको अगर ऑन रोड इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो 7,60,000 रुपये का पड़ जाता है, जो कि टाटा टियागो के टॉप मॉडल के ठीक बराबर है। तो गाइस आपको इसके पहले एडिशनल फीचर्स बताते हैं जो आपको टियागो के किसी भी मॉडल में नहीं देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाता है, लेदर स्टेयरिंग व्हील्स मिल जाते हैं, एंड प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं आपको, वो भी एस्ट्रा वेरिएंट में आपको कहलाते हैं प्रोजेक्टर, जो आपको टाटा टियागो के किसी भी मॉडल में नहीं मिल जाते हैं। और सबसे पहली बात, इस गाड़ी में आपको जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको मिल जाता है इसके एस्ट्रा मॉडल में, जो कि आपको टाटा टियागो के केवल एनर्जी एडिशन में ही अब आया है। बाकी 8 इंच का टच स्क्रीन और नेविगेशन सिस्टम भी इसका काफ़ी बढ़िया है, लेकिन टियागो में आपको केवल 7 इंच का प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों डायमेंशंस की बात करें तो 40mm की आपको इसमें से लेंथ ज़्यादा मिल जाती है, विड्थ दोनों गाड़ियों की इक्वल है, और इसका इंटीरियर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। डुअल टोन का फिनिश आपको इस गाड़ी में ज़रूर देखने को मिल जाता है ऑटोमेटिक AC के साथ, और बाकी डोर्स पे भी आप देख सकते हो ऑटो फोल्डिंग ORVM आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये चीज़ आपको टाटा टियागो के XZ Plus मॉडल में ये चीज़ मिल जाती है। ओवरऑल गाड़ी का लुक और मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हम टियागो से कंपेयर करें तो इस गाड़ी का काफ़ी कम है, और बाकी इंटीरियर में जैसे ही आप बैठेंगे ना आपको बहुत ही बढ़िया फील आएगा। MID फीचर्स भी आपको बढ़िया मिल जाते हैं यहाँ पे। ये गाड़ी का CNG वेरिएंट है, तो आप देख सकते हो दोनों अलग अलग यहाँ पे डायल्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं, एडजस्टेबल स्टेयरिंग आपको ऑफर किया जाता है चाहे आप टियागो लें चाहिए। बाकी ऑटोमेटिक AC काफ़ी अच्छा है इसका। ये चीज़ आपको टाटा टियागो के बिल्कुल टॉप मॉडल XZ प्लस में मिलेगी, और पीछे के बैक कैमरे की क्वालिटी भी यहाँ पे ज़रूर चेक करते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी का आपको नियोस में कैमरा दिया जाता है। अभी हम आपको जो है टाटा के टियागो में भी लेके चलेंगे, वहाँ पे आपको इतना अच्छा कैमरा ज़रूर नहीं मिलता है। और ओवरऑल इसका टच स्क्रीन का क्वालिटी काफ़ी स्मूथ है, और एक बिल्कुल प्रीमियम केबिन स्पेस आता है, और ये इसका कूल्ड ग्लव बॉक्स, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, और बाकी रियर से इवेंट्स भी आपको बढ़िया दे रखे हैं। ओवरऑल एक आई10 नियोस में जैसे ही आप बैठेंगे आपको एक प्रीमियम फील आता है। बाकी एक रूफ लाइट भी दी गई है आपको, ऊपर वॉइस कमांड का भी ऑप्शन है आपको, बाकी जो वैनिटी मिरर है वो आपको पैसेंजर साइड ही ऑफर किया जाता है। ये चीज़ आपको जो है टाटा टियागो में मिल जाएगी। बाकी रियर एसी वेंट्स एक बहुत ही एडिशनल फीचर है जो केवल आपको आई10 नियोस के मैग्ना वेरिएंट से देखने को मिल जाता है। तो गाइज ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग, अगर आप इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट भी लेते हैं ना तो एक वैल्यू फॉर मनी बजट ज़रूर आपका बन जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी हमें, बाकी फीचर्स के मामले में काफ़ी बढ़िया है, और सर्विस कॉस्ट इसका हम बताएं, अगर आप इसमें 2,500 रुपये 5 साल में लगाते हैं तो वहीं टाटा टियागो में आप करीब 5,000 रुपये फूक देंगे, तो यहाँ पर डबल का जो है डिफरेंस आ जाता है। बाकी इस गाड़ी में जो आपको अलॉय व्हील्स रियर डिफॉगर वगैरह सब मिल जाएगा। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल इसकी लाइट्स की क्वालिटी भी बढ़िया है, LED डायल से एक बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो बात करते हैं द ऑल न्यू टाटा टियागो की। दोस्तों ये है द ऑल न्यू टाटा टियागो का एनर्जी एडिशन। दोस्तों इसका भी प्राइस कुछ कम भी नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है 7,45,000 रुपीज़ है, जो आई10 नियोस के स्पोर्ट्स वेरिएंट से ठीक मिलता है। तो XZ प्लस मॉडल आप इसका ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं,
और टाटा टियागो का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा है। अलॉय व्हील्स वगैरह सब आपको ऑफर किए जाते हैं, लेकिन एनर्जी एडिशन में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। इसमें आपको बस एक एडिशनल अच्छा फीचर मिलता है, वो है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का, जो कि आपको टाटा टियागो के नॉर्मल मॉडल्स में ये चीज़ नहीं मिलेगी, बट इस गाड़ी में आपको ज़रूर मिल जाएगी। बाकी स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये, और ओवरऑल एक प्रॉपर एक हैचबैक का फील आपको ये गाड़ी ज़रूर देती है। इसमें कैबिन में बैठने के बाद आपको एक बहुत ही बढ़िया फील आता है। ओवरऑल गाड़ी के डायमेंशंस काफ़ी अच्छे हैं। इसकी जो हाइट है वो बस 15 mm की हाइट कम है, बाकी दोनों ही गाड़ियाँ कोई भी अंतर नहीं है। बाकी बूट की भी बात करते हैं तो 242 liters का आपको इस गाड़ी में ऑफ़र किया जाता है, जबकि न्योस में आपको केवल 260 liters किया जाता है। तो यहाँ पे केवल आपको मुश्किल से 18 लीटर का ही बूट आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यह है टाटा टियागो का एग्जेंट मॉडल जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये भी मॉडल आपको आइटन न्योस के बहुत ही कम कीमत पे यहाँ पे गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज वगैरह दोनों गाड़ियों के सेम है, और अगर डिफरेंसेस बताएं आपको एनर्जी और इसके, तो केवल आपको उसमें डुअल टोन और इसमें आपको केवल ब्लैक का फिनिश आपको देखने को मिलता है, वो आप इसके इंटीरियर में देख सकते हो। ओवरऑल टोटल ब्लैक एक चीज़ दे रखी है यहाँ पे, जबकि न्योस उसमें आपको जो है न्योस में भी डुअल टोन आता है, और टाटा टियागो के नॉर्मल मॉडल्स में भी आपको डुअल टोन मिल जाता है। दोस्तों एग्जेंट मॉडल में जो है आपको रियर वगैरह डिफॉगन नहीं मिलता है, और जैसे इसका हम डोर ओपन करके देखेंगे ना, तो आप देख सकते हो इसका ओवरऑल बढ़िया सा जो है डोर का फिनिश। फुल ब्लैक का आपको 4 power windows के साथ 1-touch ऑपरेटिंग आता है यहाँ पे, और ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है जो केवल आपको एनर्जी एडिशन में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़े से उसका इंक्रीमेंट किया है यहाँ पे फीचर्स वगैरह टाटा ने, बट एनर्जी एडिशन में कुछ एक आज फॉल्ट भी हैं, जैसे आपका अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं आता है इस गाड़ी में, जबकि आपको टाटा टियागो के नॉर्मल एग्जेट प्लस मॉडल में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कटिंग टाटा ने ज़रूर करी है। और इस मेंटेनेंस की अगर मेन बात करें तो इस गाड़ी का टाटा का मेंटेनेंस थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, ओवरऑल सर्विस का भी थोड़ा सा यहाँ पे। अभी टाटा का सर्विस नेटवर्क इतना अच्छा तो है, मगर एक सर्विस वैल्यू फॉर मनी उनकी नहीं है जितनी अच्छी सर्विस आपको हिंदई प्रोवाइड करता है। तो यहाँ टाटा की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, आप टाटा के कस्टमर्स और टाटा की जो सुनवाई उससे आप पूछ सकते हैं। एडजस्टेबल स्टेयरिंग आता है इस गाड़ी में, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी स्टेयरिंग पे जो आपको ग्रिप मिलता है ना, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल फाइन इंटीरियर्स हैं यहाँ पे। और आपको नॉर्मल मैनुअल एसी आता है इस गाड़ी में, ऑटोमेटिक एसी आपको टाटा टियागो के एग्जेट प्लस मॉडल में ही आएगा। बाकी टच स्क्रीन आपको हारमन की कंपैटिबिलिटी के साथ आता है, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल मजबूत है। बाकी वैनिटी मिरर पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है, भी कोई भी कमी नहीं है इस गाड़ी में। हालांकि 2-3 चीज़ें हैं, जैसे रियर एसी वेंट्स, प्रोजेक्टर्स एंड लेदर स्टेयरिंग व्हील और LED DRL जो आपको नहीं मिलता है यहाँ पे। बाकी टच स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी स्मूथ है, साउंड डेमो भी हमने इसका ज़रूर किया था, तो काफ़ी अच्छा है JBL हारमन का परफॉर्मेंस। R15 टायर आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टॉप मॉडल लेना पड़ेगा नया न्योस में, जबकि इसमें आपको जो है R15 एग्जेट प्लस मॉडल में आराम से मिल जाता है, बाकी बेस मॉडल्स में आपको R14 ही ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एडिशनल आपको रोड पे ग्रिप वगैरह अच्छी देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी के थ्रू। दोनों ही गाड़ी काफ़ी अच्छी हैं ओवरऑल, लेकिन दोस्तों मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है हुंडई की आइटन न्योस CNG या आइटन न्योस आप ज़रूर ले सकते हैं स्पोर्ट्स वेरियंट, क्योंकि उसमें भी आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर पैकेज ज़रूर मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको जो है एक टॉप मॉडल में रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाता है उसी प्राइस रेंज में, जबकि न्योस में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। सो गाइज आप समझ ही गए होंगे मेरा जो रुख है वो किस तरफ है। हुंडई ने आइटन न्योस आपको ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड कर दी है लॉन्ग टर्म में, ओवरऑल उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम ही है, और वेरियंट्स के हिसाब से उसमें आपको फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल PS मोटो हब। तब तक के लिए जय हिंद।